نحمد ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين امين اج ان شاء الله هم سوره فاتر کی آية نمبر 9 سے اپنا لسن شروع کریں گے. والله اور الله

अनुशूर जी उठना है यानी दोबारा से जिंदा होना है इसमें अल्लाह अला ताला बेसिकली ये आयत जो है ये दलील के तौर पर लाई जा रही है आ, कि मौत के बाद ज़िंदगी कैसे होगी उसको एग्जाम्पल के जरिए मिसाल के जरिए से बताया जा रहा है कि जिस तरह अल्लाह सुबहाना तला की जात है क्या करती है कि जो कि हवाएं चलाता है और वह हवाएं क्या करती हैं बादलों को उठाती हैं ऊपर को ले जाती हैं और फिर क्या है अल्लाह क्या फरमाते हैं कि फिर हम उसको यानी बादलों को किस तरफ ले जाते हैं कि एक बेजान बस्ती की तरफ ले जाते हैं बेजान बस्ती से मुराद क्या है कि जो बिल्कुल बंजर पड़ी है कोई जिंदगी का नामो निशान नहीं है और कोई हरियाली नहीं है कोई सब्जा नहीं है बिल्कुल खुश्क वरान और बंजर जमीन है ऐसी ज, ऐसी जमीन क्या है यानी मुर्दा बस्ती है जिसकी तरफ जो है बादलों को ले जाया जाता है फिल अर्दती है यानी उसके बाद क्या होता है कि जब बादल होते हैं बादलों से बारिश बरसती है और सुबह अल्लाह वही ज़मीन जो कि बिल्कुल मुर्दा हो चुकी होती है किस तरह से उसमें जिंदगी के आसार जो है हमें नज़र आना शुरू हो जाते हैं यानी वहां पर जो है नबात फल फूल हर चीज़ उगना शुरू हो जाती है और ये सारी चीजें क्या हैं जिंदगी की अलामत है। तो फरमार नशह क्या है मुर्दे भी जी उठेंगे तो बेसिकली क्या है कि जैसे कि मुश्किन मक् इस चीज का इनकार करते थे और उन्हें बड़ी हैरानगी होती थी कि किस तरह से अल्लाह तला की ज़्यादा जो है वो अः मुर्दों को जिंदा करेगी तो मिसाल से बताया गया कि जिस तरह मुर्दा जमीन को जिंदगी मिल जाती है बारिश के जरिए से और ये करने वाली जात कौन है अल्लाह ताला की है इसी तरह से मुर्दों को भी क्या मत के रोज जो अल्लाह सुबह तशर के मैदान में दोबारा से इकट्ठा कर लेंगे उनको जिंदा कर देंगे और इसी तरह यानी एक हमें ये चीज हदीस से भी पता चलती है कि यानी क्या पता चलता है हदीस में कि दुमची के सिवा दुमची के सिवा ये बेसिकली शायद कोई किसी बोन का नाम है कोई बोन है या यानी बेसिकली इंसान के जिसम का कोई हिस्सा है कोई छोटी सी चीज है कोई छोटी सी हड्डी है कि दुमची के सिवा इबन आदम का सारा जिसम वो सीधा हो जाएगा और उसे मट्टी खा जाएगी इसी से उसे पैदा किया गया था और इसी से उसके जिसम को दोबारा जोड़ा जाएगा जैसे यहाँ पर है ना कि कजा मशहूर इसी तरह से जो है मुर्दों को मुर्दा जमीन को जो है मुर्दों को जो है वो उठाया जाएगा और फिर इसी तरह एक और यानी इसी तरह की मिलती जुलती हदीस में हमें क्या बात पता चलती है कि अल्लाह के रसूल यानी बेसिकली सहाबी ने अर्ज किया यानी जब ये बताया गया कि इस तरह से जो है दुमची के सिवा इब्ने आदम का सारा जिस्म वो हो जाएगा इसे मट्टी खा जाएगी और इसी से उसको पैदा किया गया था इसी से उसके जिस्म को दोबारा जोड़ा जाएगा तो एक सहाबी जो है वो क्या अर्ज करते हैं कि ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला मुर्दों को किस तरह जिंदा फरमाएगा और मखलूक में इसकी क्या निशानी है यानी अगर हम देखना चाहें तो हम इस चीज को कैसे निशानी क्या है कि ताला मुर्दों को फिर से करेगा। तो वादी के पास से नहीं गुजरे जो कि बंजर हो चुकी होती है कहा कि तुम कैसी ऐसी वादी के पास से नहीं गुजरे जो कि बंजर हो चुकी होती है तो सहाबी कहने लगे कि हाँ क्यों नहीं तो फिर आपने फरमाया कि जब तुम दोबारा उसके पास से गुजरते हो तो सर सब्ज शादाब होकर लहलहाने लगती है कहते हैं यानी वो सहाबी कहते हैं कि मैंने अर्ज की कि हाँ जी ऐसा ही है तो रसूल रसुल्ला ने क्या फरमाया कि इसी तरह बस इसी तरह अल्लाह ताला मुर्दों को भी जिंदा फरमा देगा यानी बेसिकली अल्लाह के लिए मुश्किल नहीं है और इस चीज को हम यानी ऑब्जर्व कर सकते हैं कि किस तरह से बिल्कुल कोई जिंदगी का नामो निशान नहीं होता और बारिश के जरिए से किस तरह वहां पर जो है वो जिंदगी आ जाती है और फिर अल्लाह क्या फरमाते हैं कि मन जो का ना है यु चाहता ही फल अल्लाह ही के लिए है अल इज़्ज़त जमीन सारी की सारी यानी क्या है कि जो शख्स भी इज्जत का तलबगार हो तो हकीकत क्या है रियलिटी क्या है कि इज्जत क्या है सारी की सारी अल्लाह ही के लिए है सारी की सारी इज्जत क्या है अल्लाह के लिए है उसकी तरफ यस आदु चढ़ता है अलकलिम अलका लिमु कलाम अत पाकिजा पाकिजा कलाम जो है वो अल्लाह तला की तरफ चढ़ता है वो और अमल असवाहु नेक यर बुलंद करता है उसको यानी नेक अमल जो है वो पाकिजा कलिमत को बुलंद करता है व और जो लोग यम मकर करते हैं असिक आती बुरे लाहुम उनके लिए आदाब उन शदीद सख्त अजाब है वह मकरू और मकर उला इका उन लोगों का हो वह यबूर व नाबूद हो जाएगा तबाह हो जाएगा अब इस शायद में क्या फरमाते हैं कि जो शख्स भी इज्जत का तलबगार है तो, तो सारी की सारी क्या है अल्लाह ही के लिए उसी की तरफ पाकिजा क़लिमात चढ़ते हैं और ने कमल उनको बुलंद करते हैं और जो लोग बुरे बुरे मकर करते हैं चालें चलते हैं उनके लिए सख्त अजाब है और उनकी चालें उनका मकर क्या है आ, बर्बाद हो जाएगा नाबूद हो जाएगा अब के पहले हिस्से में जो बात की जा रही है वो ये है कि जो शख्स इज्जत का तलब है तो यहाँ पर बेसिकली रियलिटी बताई जा रही है कि हकीकत में तो सारी की सारी क्या है इज्जत अल्लाह ही के लिए यानी अल्लाह सब जो है सारी इज्जत का मालिक है और क्योंकि होता क्या है के लोग जो हैं यानी एक तरह से जैसे कह लें कि ना समझी होती है ना दानी होती है कि हमें क्या लगता है कि इज्जत जो है बेसिकली शायद दौलत के जरिए से मिल जाएगी शायद हमारे पास इकतदार आ जाए तो इस वजह से हमारे पास इज्जत आ जाएगी या कुछ और ताकत कुवत कुछ भी अथॉरिटी हमें मिल जाए यानी किसी भी तरह से हमारे पास जो है कोई ताकत आ जाए कु्वत आ जाए तो क्या होगा शायद हमें इज्जत मिल जाएगी तो बेसिकली इज़्ज़त जो है ना बेसिकली क्या है कि ऑनर वो ऐसा ऑनर ऐसी इज्जत जो कि किसी ताकत के जरिए से हो और यानी इसमें क्या है कि ताकत और इज्जत कैसी कि कोई उसकी आ, कोई उसके सामने चू ना कर सके क्यों क्योंकि बेसिकली बहुत ज्यादा माइटी है बहुत ज्यादा पावर और ताकत है उसके पास तो अब जो कोई भी यानी इज्जत चाहता है तो एक्चुअली इज्जत क्या है अल्लाह ही के पास है अल्लाह ही के पास सारे खजाने इज्जत के तमाम के तमाम तो अब यहाँ जो चीज पता चल रही है कि इज्जत जो है ना अगर कोई इज्जत का मतलाशी है इज्जत को तलाश करता है इज्जत के पीछे जाता है चाहता है कि वो इज्जतदार बन जाए तो ऐसे में क्या है कि इज्जत जो है सारी अल्लाह के लिए मीन्स कि अल्लाह सुबहाना तला की बंदगी और अतात ही के जरिए से उसको इज्जत मिल सकती है अगर वो इज्जत को ढूंढना चाहता है तो कहाँ पर उसको मिलेगी क्योंकि सारी की सारी इज्जत अल्लाह ही के लिए है तो उसको मिलेगी कैसे जब वो अल्लाह की अतात और बंदगी जो है वो बजा लाएगा यानी हकीकी इज्जत जो सही मानों में इज्जत है जो कि ट्रू ऑनर जिसे कह लें कि और पायदार इज्जत है जो कि दुनिया से लेकर आखरत तक यानी कभी भी जो है ख़त्म नहीं होगी हमेशा रहेगी तो वो इज्जत इंसान को कैसे मिल सकती है जो पायदार और हमेशगी की इज़्ज़त है जो दुनिया और आखरत दोनों में रहेगी वो कैसे है सिर्फ और सिर्फ अल्लाह सुबहाना ताली की बंदगी ही से उसको मैसर हो सकती है सिर्फ और सिर्फ अल्लाह सुबहाना तै का फर्मा बंदा बनने से मिल सकती है अदरवाइज नहीं मिल सकती क्योंकि बाकी चीज़ें देखें कि क्या होता है कि यानी चीज़ों के साथ इंसानों की इज्जत जुड़ी हुई होती है अगर यानी इंसान के पास दौलत है तो लोग उसकी इज़्ज़त कर रहे हैं आर्जी सी चीज़ है यानी आज उसकी इज़्ज़त है हो सकता है वो दौलतमंद आज दुनिया में तो इज़्ज़तदार बना हुआ है लेकिन आखिरत में क्या है उसके हिस्से में रसवाई आ जाए तो बेसिकली उसकी इज़्ज़त क्या है नापायदार है हमेशगी की नहीं है और ये भी हो सकता है के दौलत की वजह से इज्जत हो रही है जैसे ही दौलत ना हो तो लोग उसकी इज्जत करना छोड़ देंगे और इस चीज़ को हम बहुत यानी ऑब्जर्व करते हैं कि बहुत बार बल्कि अक्सर ऐसा ही होता है कि लोगों के पास जो कुछ भी चीजें होती हैं जो भी उनके स्टेटस के साथ लगी हुई होती हैं उनकी वजह से लोग उनकी इज्जत कर रहे होते हैं और जैसे ही वो चीज़ें खत्म हो जाए लोगों के फायदे उनसे खत्म हो जाए तो बेसिकली वहीं वहीं उनकी इज्जत भी जो है वो ख़त्म हो जाती है और ये भी होता है कि समटाइम्स, यानी लोग समझ रहे होते हैं कि शायद हम लोगों की नज़र में इज्जतदार हैं लेकिन एक्चुअली वो होते नहीं है क्यों क्योंकि लोग सिर्फ सामने सामने तो उनको उनकी रिस्पेक्ट कर रहे होते हैं लेकिन पीठ पीछे जो है ना उनकी इज्जत को तार तार कर रहे होते हैं तो एक्चुअली जो बात यहाँ पर बताई जा रही है वो क्या है कि असल जो हकीकी इज्जत है जो हमेशा इंसान के साथ रहेगी और जो कि कभी कम नहीं होने वाली वो क्या है अल्लाह की ततात और फमबरदारी ही से मिलने वाली है ये वो इज्जत है जो कि हमेशा रहेगी पायदार इज्जत है और यानी आखरत में भी होगी दुनिया में भी होगी और आख़रत में भी होगी और यही वो इज़्ज़त है जिसको के जिसके पीछे इंसान को जाना चाहिए होता क्या है कि इंसान जो है यानी बेसिकली शैतान जो है इंसान को बहका देता है और बहुत सारी ऐसी गलत चीज़ें गलत काम इंसान से करवाता है और वो इंसान क्यों कर रहा होता है सिर्फ इज़्ज़त बनाने के लिए हालांकि वो अल्लाह ताला की नाफरमानी पर मबनी काम होते हैं लेकिन शैतान इस तरह से इंसान को वर्गलाता है धोखा देता है और उसे क्या चीज दिखाता है कि शायद इन चीज़ों की वजह से इन गलत काम करने की वजह से क्या है कि तुम इज्जतदार हो जाओगे होता है ना कि लोग जो है जायज़ ना जाइज़ हर जरिए से जो है चीजों को हासिल करने की कोशिश करते हैं नाजायज जरियो से जो है ताकत हासिल करने की कोशिश करते हैं दौलत हासिल करने की कोशिश करते हैं रिस्क लेने की कोशिश करते हैं और इसके अलावा रियाकारी अपनी हैसियत और अपनी औकात से बढ़कर जो है यानी खर्च करते हैं दिखावा दिखाते हैं और वो सारा कुछ क्यों हो रहा होता है सिर्फ लोगों की नज़र में इज्जतदार बनने के लिए तो क्या है कि ये सारी चीजें यानी आर्जी है और असल इज्जत क्या है अल्लाह सुबह तला की बंदगी में है और ये भी देखें कि जैसे रियाकारी ही देख लें यानी मुझे नहीं लगता कि कोई शख्स जो है शोबाजी कर रहा हो शो दिखा रहा हो रियाकारी कर रहा हो और हकीकत में वो उतना ना हो जितना वो बनने की कोशिश कर रहा हो बढ़ चढ़ कर जो है अपने आप को दिखाने की कोशिश कर रहा हो तो शायद ही कोई बहुत ही कम अकल होगा जो उसकी असल हकीकत को उसकी असल औकात को जान ना सके मोस्टली क्या होता है कि साफ पता चल जाता है कि कौन एक्चुअली हकीकत में कितना है और क्या वो बनने की कोशिश कर रहा है जैसे ऐसे ही है ना कि अगर कोई शख्स जो है फॉर uh, एग्जाम्पल बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं है लेकिन वो जब स्मार्ट बनने की कोशिश करता है और लोगों के सामने शो करने की कोशिश करता है कि मैं बहुत स्मार्ट और इंटेलिजेंट हूँ तो क्या होता है कि थोड़े ही वक्त में लोगों को साफ पता चल जाता है कि ये हकीकत में ये कितना स्मार्ट कि है तो है क्या कि ये सारी चीजें हैं के जो कि के यानी बताई जा रही है और इंसान को ये रियलाइज करवाया जा रहा है कि वो शैतान के धोखे में ना आए वो इन चीज़ों में ना इन चीजों में ना पड़े और अगर वो इज्जत चाहता है तो कैसे हासिल कर सकता है अल्लाह सुबहाना ताल की अतात करके यही वो असल इज्जत है जो जिसके पीछे इंसान को जाना चाहिए जिसके जिसको जो है तलाश करना चाहिए और जिसको पाने की कोशिश भी करनी चाहिए और फिर एक और चीज़ भी है कि जैसे हम देखें कि अच्छा भाई हमें तो बहुत ऐसे लोग यानी इज्जतदार बने हुए नजर आते हैं जो कि गुनाहों में मुबतला होते हैं गलत काम कर रहे होते हैं लेकिन दुनियावी स्टेटस की वजह से लोग जो है उनकी इज्जत कर रहे होते हैं या उनका कोई मुकाम और मरतबा होता है तो यहाँ जो बात बताई जा रही है कि क्या कहा जा रहा है कि फल्लाज्ज़त uh, जमिया के सारी की सारी इज्जत तो अल्लाह के लिए है इट मीन्स के असल में तो इंसान इज़्ज़तदार वही है जो कि अल्लाह की नज़र में इज़्ज़तदार है यानी एक ऐसा शख्स बेशक उसको दुनिया कुछ भी ना समझे कोई इसको मुकाम और मरतबा ना दे और उसको हकीय जाने लेकिन अगर वो शख्स जो है अल्लाह के यहाँ उसका मुकाम और मरतबा है Allah के हाँ वो इज्जतदार है तो असल में वही इज्जतदार है हकीकी मानों में वही इज्जतदार है लेकिन दूसरी तरफ वो शख्स जो कि दुनिया की नजरों में तो बहुत यानी अपने आप को इज्जतदार बनाने की कोशिश कर रहा है और लोग उसको इज्जत दे रहे हैं लेकिन अगर अल्लाह के हाँ उसका कोई मुकाम नहीं है तो इसका मतलब है कि वो इज्जतदार नहीं है बेसिकली उसके पास इज्जत नहीं है तो असल क्या है कि अल्लाह की नज़र में इंसान को इज्जतदार बनने की कोशिश करनी चाहिए और ये इज्जत कैसे मिल सकती है अल्लाह सुबहना की बंदगी करके और जैसे कि सुर आल इमरान में भी क्या आता है ना कि जैसे दुआ चल रही है कि रब इन नकमन तुद नारा फकद अफजा क्या हमारे रब की जिसको तू जहनु में दाखिल कर देगा असल में तो वही रसवाई है यानी बेसिकली कि जो है ना उसको तूने ने रसवा कर दिया ज़िल्त उसके हिस्से में आ गई सुबह अल्लाह यानी बेसिकली आखरत की इज्जत और रसवाई असल मानों में इज्जत और रसवाई है तो इंसान को फिक्र किस बात की होनी चाहिए दुनिया में यानी इस बात की फिक्र नहीं होनी चाहिए कि जायज ना जायज हर तरह से जितनी भी मैं ना नाफरमानी करके अल्लाह ताला की लोगों की नज़र में बस इज्जतदार बन जाऊं इस चीज़ की फिक्र नहीं होनी चाहिए कि अल्लाह की नाफरमानी करके हम बस लोगों की नज़रों में अच्छे बन जाए नहीं फिक्र इस बात की होनी चाहिए कि डजेंट मैटर कि कोई हमें क्या समझता है कोई हमें कोई हमारी इज्जत करेगा या नहीं करेगा हमारे बारे में क्या सोचता है क्या नहीं सोचता हमें किस तरह के रिमार्क्स देगा किस तरह की तनकीद का निशाना बना लेगा इन तमाम चीजों से लापरवाह होकर फिक्र किस बात की होनी चाहिए कि मेरा मुकाम अपने रब के हाँ कैसा है आखिरत जब कायम होगी तो वहाँ मेरे साथ क्या होने वाला है जो कुछ मेरा अनजाम होगा यानी क्या वो इज्जत पर मबनी होगा या कि ज़िल्ल्लत पर मबनी होगा और यकीन कीजिए कि यानी क्या होता है कि ये बात इंसान को अंदर तक जिसे कह लें कि दहला कर रख देती है लर्ज उठता है इंसान यानी अगर आप सोचें कि क्यामत के रोज यानी आज हम सब एक दूसरे के सामने होते हैं मिलते हैं बैठते हैं और यानी सब कुछ अच्छा अच्छा नजर आ रहा होता है इमेजिन के उस दिन अल्लाह सुबहाना तला हमारी ऐसी यानी जो बुराइयां हैं या ऐसी कमियां हैं वो सबके सामने ले आए ऐसे ऐब जो कि सबके सामने आ जाए और फिर उन्हीं बुराइयों की वजह से उन्ही ऐबों की वजह से जो है अल्लाह सब तब के सामने जो है यानी जहन्नुम का फैसला सुना दें तो इससे यानी यानी वो शख्स जो कि यहाँ अपने जानने वालों में बड़ा इज्जतदार बना बैठा था और वहाँ उसको कितनी रसवाई और जिल्लत के साथ जो है फरिश्ते घसीटते हुए जहन्नुम में गिरा दें यानी क्या होता है कि आ, बेसिकली दुनिया में भी अगर आम यानी स्नो वगैरह पड़ी हो और इंसान स्लिप हो जाए तो आप जैसे ही गिरते हैं ना तो जल्दी से उठने की कोशिश करते हैं और उस कोशिश से भी पहले फटाफट निगाह इधर उधर जाती है कि, कि किसी ने मुझे गिरते हुए तो नहीं देखा और ख़ास तौर पर इस बात पर होता है कि कोई जानने वाला तो नहीं था जिसने देख लिया कि मैं इतने बुरे तरीके से गिर गई ये चीज़ इंसान के लिए बहुत एम्बेसिंग होती है बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी का बायस होती है तो असल में क्या है यानी ये छोटी छोटी सी चीजें हैं। सो so वर्ट अगर किसी ने देख भी लिया किसी जानने वाले ने भी देख लिया और कोई हंस भी पड़ा हमारे गिरते हुए देख कर क्या फर्क पड़ता है कुछ भी फर्क नहीं पड़ता थोड़ी देर का है लेकिन आखिरत की जो रसवाई है ना असल फिक्र इंसान को उसकी होनी चाहिए कि आखिरत में जो है ना जिल्लत और रसवाई का सामना ना करना पड़े और उसकी बचने की सूरत जो यहाँ पर बताई जा रही है कि जो शख्स इज्जत चाहता है फल्ज़्ज़्ज़त कि सारी की सारी इज्जत तो अल्लाह सब ही के पास है यानी अल्लाह के पास सारे खजाने हैं और उसकी बंदगी ही में इंसानों की इज्जत है और वही वो, वो इज्जत है जो कि हमेशगी की है जिसमें पायदारी है हमेशा रहेगी और फिर इसके अलावा एक और चीज़ भी है कि के जैसे के सारी की सारी इज्जत ही के लिए मीन्स अल्लाह सुबहाना तला इज्जत को ओन करता है इज्जत का मालिक है और मालिक का मतलब है कि अगर इज्जत जो है उसका वो मालिक है इट मीन्स वो जिसको चाहे इज्जत अता करे और जिससे चाहे इज्जत को वापस ले ले छीन दे यानी जिसको चाहे वो जलील कर दे और जिसको चाहे वो इज्जत अता कर दे क्यों क्योंकि अल्लाह ही के लिए सारी की सारी इज्जत है अल्लाह सुबहाना ताल ही इज्जत का मालिक है और इसमें भी जो है ना अगर हम इसको इस तरह से भी लेते हैं तो इसमें भी देखें कि बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन है वो क्या है कि अल्लाह सुबहाना इज्जत का मालिक है और हम ये देखते हैं कि अल्लाह सुबहाना तनि यानी लोगों को इज्जत से नवाजते हैं दुनिया में हमें नज़र आता है कि लोगों को अल्लाह सुबहाना इज्जत से नवाजते हैं तो अब जिसको अल्लाह सुबहाना ने जितनी इज्जत दी जो मुकाम दिया इस दुनिया में तो दूसरों को क्या करना चाहिए खुले दिल से उस चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए उस मामले में दिल में तंगी नहीं आनी चाहिए और कोई यानी ऐसा सच दिलों में मैल नहीं आना चाहिए कि अच्छा हम कहें कि अच्छा हमारा फलां रिश्तेदार जो है सारे खानदान वाले उसके तो बहुत गर्वित हैं उसकी तो बहुत तारीफ करते हैं उसको तो बहुत अच्छा समझते हैं हर कोई उसकी बात को सुनता है हर कोई उसकी बात को अहमियत देता है और मेरी बात कोई नहीं सुनता तो बेसिकली अगर अल्लाह सुबह ने किसी को इज्जत दे रखी है तो इस चीज़ को खुले दिल से कबूल करना चाहिए और ये भी है कि जैसे कि मक्की सूरत है और अल्लाह ने आ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चुना मुंतखब किया नबूवत के लिए आसल्म को नबूवत का शर्फ़ बख्शा आस्म को ये इज्जत दी ये मुकाम दिया और ये शर्फ बख्शा कि अल्लाह ताला ने उनको अपना रसूल बनाया आखिरी पैगंबर बनाया और उनको नबूवत दी हिकमत दी तो ये अल्लाह सबला की मेहरबानी थी अल्लाह तला अपने बंदों में से जिसको चाहे इज्जत के लिए चुन ले तो अब ये चीज़ जो है मक्का जो है वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे और उनका क्या एक एतराज था क्या क्रिटिसाइज करते थे कि भाई क्यों आप ही पर वही क्यों आती है इन्हीं को क्यों चुना गया हम में से यानी हम हमारे अंदर जो है इतने बड़े बड़े सरदार हैं और हमारे पास इतना माल और दौलत है इतनी औलाद है बेटे हैं तो हम में से किसी को क्यों नहीं चुना गया वाए कि इन्हीं को जो है इस काम के लिए इस चीज़ के लिए इस शर्फ के लिए क्यों मुंतखब किया गया तो यहाँ पर भी उनको बताया जा रहा है कि इज्जत तो क्या है उसका मालिक अल्लाह सुबहाना ताल की जात है जिसको चाहे वो इज्जत अदा करे और इस चीज़ को खुले दिल से इंसान कबूल कर ले इसी में उनका भला है क्योंकि देखें कि वहां पर भी बहुत सारे लोग इस्लाम से ईमान की दौलत से क्यों महरूम रह गए सिर्फ इसी चक्कर में पड़ गए कि हाँ भाई हमें क्यों नहीं उनको क्यों हमें क्यों नहीं अगर वो अता तो फरदारी करते हुए अल्लाह सुबहाना तला की इस फैसले को कबूल करते तो इज्जत उनका भी मुकदर हो जाती तो बेसिकली यानी इस चीज को बहुत ही ओपनली जो है ना यानी खुले दिल के साथ जो है ना कबूल करना चाहिए जिसको अल्लाह सुबहाना तला ने जो मुकाम और मरतबा हमारे इर्द गिर्द बहुत से लोग होते हैं जिनको अल्लाह ने इज्जत दे रखी होती है तो इस चीज़ को खुले दिल से कबूल करना चाहिए इसी में इंसान की इज्जत है और अगर इंसान इसको नहीं कबूल करता तो बेसिकली वो खुद ही जलील और रसवा हो जाता है और इसके अलावा एक और चीज़ भी है कि जैसे यहाँ पर कहा गया कि फल्ज़त जमी के अल्लाह ही के लिए इज्जत है तो इसका मतलब क्या है कि अल्लाह सुबहाना तला ही की जात है जो कि के के लायक है यानी इज्जत दार जो है ना वाहिद वो कौन है अल्लाह सुबहाना तला की जात है इंसान जो है ना उससे उसमें ये क्रेज नहीं होना चाहिए कि मैं इज्जतदार बन जाऊं मैं बड़ा बन जाऊं यानी बेसिकली आ, अपने लिए उसको इस तरह से ये शर्फ और मुकाम जो है ना वो उसके पीछे नहीं भागना चाहिए क्यों क्योंकि ये इज्जत क्या है इसके लायक अल्लाह सुबहाना तला ही की जो है वो आजाद है और अब ये चीज भी आ जाती है कि यानी बेसिकली इसमें है क्या कि इज्जत के, के, के लायक अल्लाह ताला ही की जात है और असल में इज्जतदार वही वो ही है और इंसानों को इस मुकाबले पे नहीं आना चाहिए क्योंकि ये सिफ्त किसकी है अल्लाह सुबहाना तला की है तो इंसान जो है ना जब इज्जत के पीछे भागता है अपने आप को बड़ा बनाने की कोशिश करता है तो बेसिकली वो अल्लाह ताला ही से जो है वो मुकाबला कर रहा होता है तो अब ऐसे में यानी ये रवैया जो है गलत कैसे हो जाता है कि जब इंसान अपनी किसी भी ताकत और कुत की वजह से जिसको वो समझ रहा है कि ये मेरी इज्जत का बायस है मेरे पास दौलत है तो लोग मेरी इज्जत करें लोग मेरे जो है वो नीचे लग कर रहे कोई मेरे सामने कुछ कह ना सके और अपने आप को या किसी और चीज की वजह से अपने आप को कहना कि जी आई एम द बेस्ट कि मैं तो बस परफेक्ट हूं मेरे में कोई कमी नहीं है तो ये चीज इंसान को याद रखनी चाहिए कि नो मैटर वट कि आप जितने भी अच्छे क्यों ना बन जाए अच्छे से मुराद कि आप के आपके पास दुनिया जहान की जितनी भी चीजें क्यों ना आ जाएं, जो कि आपके स्टेटस को हायर कर रही हैं, फिर भी क्या है कि इंसान में कुछ ना कुछ कमी और नुक्स लगा ही होता है क्या है कि इंसान जितना भी उसके पास मॉल दौलत स्टेटस जो भी आ जाए फिर भी इंसान कभी परफेक्ट नहीं हो सकता कभी बेस्ट नहीं हो सकता क्यों क्योंकि उसके साथ कुछ ना कुछ नुक्स कुछ ना कुछ कमी कुछ ना कुछ ऐप कुछ ना कुछ बुराई उसके साथ लगी ही होती है और अब ऐसे में क्या है कि यानी ये दावे करना और बेसिकली अपने आप को इतना बड़ा समझना कि कोई जरा सा आपको क्रिटिसाइज कर दे आपकी कोई कमी जो है उसको पॉइंट आउट कर दे तो फौरन आप ऑफेंडेड हो जाए कि क्यों उसने इतनी जरूरत क्यों की कि मेरे सामने यूं बात करता या मेरी जात पे उसने कैसे उंगली उठाई और इस तरह से ये नहीं होता है ना एक आम इंसान जो कि यानी जिसके पास ना दौलत है ना कोई कुत है ना कोई अथॉरिटी है कोई दूसरा उसको कुछ भी कह ले वो बेचारा आगे से कुछ नहीं बोलेगा क्योंकि उसे पता होता है इंसान जोम किस बात पे करता है जब उसके पास ये सारी चीजें होती हैं तो जब ये सारी दुनिया उसके पास होती है तो वो इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाता कि कोई दूसरा उसके किसी फैसले पे हर्फ उठाए कोई उसके फैसले को क्रिटिसाइज करे या कोई नुकसान निकाले या उसकी ज़ात में कोई ऐब निकाल दे या उसकी कोई किसी कमी को कोई जो है वो उसकी निशानदही कर दे इंसान इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं उसे क्या लगता है कि ये तो मेरी इज्जत पर हमला कर दिया अगर किसी ने मुझे कुछ कह दिया कोई बात कर दी मेरी कमी ही मुझे बता दी है तो इसका मतलब उसने तो यानी मेरी इज्जत को तार तार कर दिया मेरी इज्जत पर हमला कर दिया तो ये चीजें कब आती हैं जब इंसान अपने आप को इज्जतदार समझता है और ये इंसान को याद रखना चाहिए कि असल इज्जतदार हस्ती कौन सी है अल्लाह ताला ही की हस्ती है क्यों क्योंकि अल्लाह सुबाना तला की हस्ती क्या है असल इज्जतदार हस्ती है क्योंकि वो हर तरह की कमी हर तरह के नुक्स से पाक है और तमाम की तमाम इज्जतों के खजानों का वो मालिक है तो इंसान को ये चीज जेबा नहीं देती कि वो अपने आप को इन दुनियावी चीजों के बलबोते पर इतना बड़ा जाने और फिर ये कि दूसरों को जो है दूसरों की तहकीर करना दूसरों की तजलील करना और यानी दूसरों की इंसल्ट करना उसके नजदीक कुछ भी ना हो क्यों क्योंकि वो अपने आप को तो बड़ी बड़ी चीज समझ रहा है बहुत इज्जतदार समझ रहा है और दूसरों को अपने मुकाबले में क्या समझता है बहुत ही हकीर समझता है तो ये बेसिकली इंसान को ये जेबा नहीं देता और इस बात को इस हकीकत को से हमेशा याद रखना चाहिए फल्लाज्जत जमिया के सारी की सारी जो है इज्जत वो क्या है अल्लाह के लिए तो अब इसमें हमारे लिए बड़ा लेसन है कि कोई समटाइम्स हमसे कोई बड़ा किसी भी मामले में किसी भी नोयत के लिहाज से हमसे कोई बढ़कर हो वो हमें चार बातें बता सुना दे या कुछ भी कह दे तो हम नहीं बोलेंगे लेकिन अगर कोई हमसे जो नीचे है किसी भी मामले में अगर वो बेचारा हमारे सामने कुछ भी कह दे तो हम बड़े अफेंडेड हो जाते हैं तो बेसिकली इस चीज़ में कभी अगर कोई हमारी कोई हमें कमी बताता है या हमने कुछ गलत डिसाइड कर दिया हमारी हमसे कोई गलती हो गई है अगर हमें कोई बता देता है तो इस मामले को यानी इसको जो है ना इज्जत का मामला नहीं बना लेना चाहिए कि अच्छा उसने ऐसा क्यों किया ये तो मेरी बेजती है हम बहुत जल्दी छोटी छोटी सी चीजों को छोटी छोटी सी चीजों को हम किसी के घर गए उसने मुझे चाय नहीं पूछी मेरी तो इज्जत यानी फौरन हम इस चीज़ को ले लेते हैं कि ये तो मेरी इज्जत का मामला बन गया और फिर उसको लेके हम बहुत आगे तक पहुंचते हैं हालांकि हो सकता है कि पता नहीं पीछे क्या रीज़न थी कि उसने आपको चाय का नहीं पूछा वो सारी बातें आती क्यों हैं जब आप अपने आप को यानी बड़ा इज्जतदार समझ रहे होते हैं तो ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि इज्जत क्या है अल्लाह ही के लिए है वही जो है उसी के शायान शान है इज्जत और फिर ये कि इज्जतों का मालिक भी वही है और जिसको चाहता है वो इज्जत देता है और जिससे जिसको चाहता है वो जलील कर देता है और जिसको अल्लाह ताला इज्जत दे तो इंसान खुले दिल के साथ उस चीज़ को कबूल भी करे और अब यह भी चीज़ भी आ जाती है कि अगर हम कहें कि अच्छा इज्जत तो सिर्फ अल्लाह ही के लिए और असल इज़्ज़तदार वही है तो इसका मतलब है कि हम लोगों की इज्जत करना छोड़ दें ऐसी चीज़ नहीं है बल्कि लोगों की यानी आ, है क्या कि लोगों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए इज़्ज़त देनी चाहिए क्योंकि अगर अल्लाह ताला ने उनको इज़्ज़त दी है तो हमें उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए यानी लोगों का एहतराम करना चाहिए आ, और वो उनका मुकाम और मर्तबा जो है किसी भी वजह से हो सकता है और असल जो इज्जत है जो कि अल्लाह के, अल्ला के हाँ भी जो है मकबूल है वो क्या है किसी की यानी बेसिकली अतात तो और दारी है कि वो अल्लाह का कितना नेक बंदा है उसका तकवा उसका अच्छा होना यानी जो है मुतकी होना बेसिकली क्या है कि इस चीज़ को जाहिर करता है कि वो अल्लाह ताला के हाँ भी इज्जतदार है तो ऐसे शख्स की इज्जत जो है वो होनी चाहिए बेसिकली इज्जत जो है वो तकवा के साथ है और फिर क्या है फिर अल्लाह क्या फरमाते हैं अब यहाँ पर देखें कि जिन चीजों को अभी हमने डिस्कस किया इज्जत के बारे में और इससे जो इस आयत का नेक्स्ट पार्ट है बेसिकली उसमें भी फर्दर इस चीज को इन्हीं बताया गया है कि इज्जत अगर इंसान को चाहिए तो उसको मिल कैसे सकती है यानी अभी हमने बात की कि इज्जत क्या है अल्लाह साल की बंदगी में है और यही असल इज्जत है तो आगे अल्लाह साल क्या फरमाते हैं कि ही उसी की तरफ यदू चढ़ता है अलकली मतोब के जो पाकिजा कलाम है वाले और नकमल यरफा बुलंद बुलंद करता है उसको यानी क्या है कि उसी की तरफ पाकिजा कलिमा चढ़ते हैं और नेक कमल उनको बुलंद करते हैं अब यहाँ जो है ये चीज पता चल रही है कि जो पाकीज़ा कलाम है जो पाकीज़ा कलाम है वो ऊपर की तरफ जाता है और ये ऊपर की तरफ कैसे जाता है यानी पाकीज़ा कलाम को पहले हम देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं जैसे कि कलिमा तयबा है ये भी पाकिज़ा कलाम है इसके अलावा अल्लाह ताला का ज़िक्र है क़ुरान है तस्बी है और जो है तहमीद है अल्हम्दुलिल्लाह तहलील है अल्लाह अकबर पर ये सारी तस्बीहात जो हैं कुरान है क़ुरान की तिलावत है अल्लाह ताला का जिक्र है कलिमा तयबा है ये तमाम चीज़ें क्या हैं ये पाकिज़ा कलिमत में आ जाती हैं और इनको अब ये जो पाकिजा कलिमात हैं ये कैसे ऊपर चढ़ते हैं यानी इंसान इनको जमीन पर जो है यानी इंसान जो है जमीन पर इन कलिमात को जो है वो आ, बेसिकली जुबान से अटर करता है जुबान से निकालता है तो ये ऊपर तक जाते हैं ऊपर तक इनको कौन सी चीजें हैं जो लेकर जाती हैं इंसान के अच्छे नेक अमल जो है वो इनको ऊपर लेकर जाते हैं यानी बेसिकली ये दोनों चीजें पाकिजा कलिमात और अमले सौले ये जो है ना इन दोनों का बड़ा गहरा ताल्लुक है ये दोनों एक दूसरे के बिना जो है ना यानी बेसिकली जिसे कह लें कि मुंजमेद हो जाते हैं ठहर जाते हैं इन दोनों चीजें क्या है लाजिमो मजूम है दोनों एक दूसरे के लिए एक जिसे कह लें कि इंटरकनेक्टेड है यानी पाकिजा कॉल जो है उसको उरूज कैसे मिलता है कैसे वो बुलंदी तक पहुंचता है बुलंदी तक से मुराद के यानी अल्लाह ताला उसको कबूल कर लेते हैं उसका अजर सवाब जो है उस इंसान को दे देते हैं ये कब होता है जब उसकी नीयत जो है वो नेक हो और उसका अमल जो है वो उसके कॉल के मुताबिक हो यानी बेसिकली ये जो आ, कलिमात हैं पजा कलिमात हैं पाकिजा कॉल है इसको इसकोज कैसे है अमले सौले के साथ यानी खाली जुबानी कलामी सिर्फ जो है जुबान से कहते रहना अल्लाह अकबर या ये कि कलमा तयब की अगर हम बात लें कि अगर इंसान जुबान से दावा करता रहता है अल्लाह सुबाला तला की वहदानियत का और अपनी अ अपने बंदे होने का तो बेसिकली ये खाली जुबान से दावा उसको जो है ना फ़ायदा नहीं देगा ये ऊपर तक नहीं पहुंचता, उसको रूज नहीं मिलता उसको मकबूलियत नहीं मिलती जब तक कि वो दिल से इस चीज़ का इकरार नहीं करता यानी सिर्फ ज़ुबानी जो है जुबानी कलामी नहीं है बल्कि क्या है अमल क्या है कि वो दिल भी उसकी तस्दीक करे और सेकंड चीज़ इस पे ये भी चीज आ जाती है कि जैसे अगर इंसान दिल से तो उसको कबूल करता है और वैसे वो तस्बीआत कर रहा है जिक्र कर रहा है सब कुछ कर रहा है कि तब तक इन चीजों को उरूज नहीं मिलेगा जब तक कि उसका अमल भी उसके कॉल के मुताबिक ना हो जाए यानी एक तरफ तो ला है ला पढ़ता है अल्लाह सुबहाना तला को अपना मबूद मानता है और कहता है कि ए अल्लाह तू मेरा रब है और मैं तेरा फरमा बंदा बनूंगा यानी तू मेरा रब है तो इसका मतलब है कि तेरी अतात और बंदगी मुझे करनी है लेकिन अमल जो है वो नाफरमानों वाले करता है तो बेसिकली क्या है कि वो चीज़ जो है ना उस तरह से उरूज नहीं पकड़ेगी वो ऊपर तक नहीं पहुंचेगी, वो कबूलियत के उस दर्जे तक नहीं पहुंचेगी, उसको उस तरह से फायदा नहीं देगी जिस तरह के अगर वो कलम तयबा के साथ अमले सौले भी करता है तो ये कलिमात क्या है सुबह अल्लाह वो बुलंदियों तक अर्श तक पहुंचते हैं और अल्लाह सुबहाना तला उनको कबूल कर लेते हैं तो अब है क्या कि अगर इंसान सिर्फ जुबान ही से कलीमा पढ़ता है और अमल उसका बिल्कुल अपोजिट है अब इसकी मकबूलियत का लेवल है लेवल ये है कि अगर अमले सौले करता है तो ऑब्वियसली उसको अरूज मिल जाएगा लेकिन अगर अमले सौले नहीं है सिर्फ कलीमा ही है पाकिजा तो क्या है कि उसको यानी हमेशगी के अजाब से तो उसको फायदा दे देगा कि उसको यानी जैसे हम इस चीज़ को जानते हैं कि अगर एक कोई मोमिन है मुसलमान है और उसने कलीमा पढ़ा और अल्लाह ताला के साथ शिरक़ नहीं किया किसी भी किस्म का तो फिर क्या है कि और लेकिन अमले सौले नहीं है तो ऐसे में होगा क्या कि उसको अपने गुनाहों की सज़ा मिलेगी और उसके बाद फाइनली उस ईमान की वजह से उस कलिमा तयबा की वजह से इवेंचुअली अल्लाह उसे जहन्नुम से आज़ाद कर देंगे जहन्नुम से उसको रिहाई मिल जाएगी और जन्नत में उसको डाल दिया जाएगा लेकिन है क्या कि उसको अपने जो अमाल हैं उनकी सजा उसको भुगतनी पड़ेगी तो बेसिकली पता क्या चल रहा है कि आ, जो पाकिजा कलिमात हैं उनके साथ साथ इंसान का अमल भी वैसा ही होना चाहिए अदरवाइज क्या है कि उसको उरूज नहीं है और ये चीज जैसे हमें उससे भी पता चलती है आ, जैसे कि एक हदीस में भी आता है कि अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्ला ने फरमाया कि जब हम तुमसे कोई हदीस बयान करें तो किताब अल्लाह से उसकी तस्दीक भी पेश कर देंगे यानी अगर हम कोई हदीस बताएंगे तो उसकी तस्दीक कहाँ से करेंगे उस चीज़ की उस बात की उस हदीस की किताब अल्लाह से तो वो क्या फरमाते हैं कि जब कोई मुसलमान ये कलिमात पढ़ता है सुबह अल्ला ही وبحمده سبحان الله وبحمده الحمد لله لا اله الا الله والله والله اكبر تبارك الله यानी ये सारे कलिमात पढ़ता है उनका मतलब क्या है कि अल्लाह पाक है अपनी तारीफ के साथ सब तारीफ अल्लाह ही के लिए है अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और अल्लाह सबसे बड़ा है अल्लाह बाबरकत है जब कोई मुसलमान ये सारे कलिमात पढ़ता है तो फरिश्ता इन कलिमात को लेकर अपने पर के नीचे कर लेता है फिर इन्हें लेकर आसमान की तरफ चढ़ जाता है और वो जब भी फरिश्तों की किसी जमात के पास गुजरता है तो वो इन कलिमात के कहने वाले के लिए इस्तार करते हैं हत्ता के वो कलिमात को लेकर अल्लाह ताला के पास पहुंच जाता है और फिर जो है किताब अल्लाह से तस्दीक के तौर पर अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह आयत की तिलावत की कि इले ही यसअदुलकली मुतयब वलामलसू यरफा तो यानी यहाँ भी बात क्या पता चल रही है कि जब ये जो कलिमात हैं इनको यानी जब इंसान कोई पढ़ता है तो फरिश्ता उनको लेकर ऊपर जाता है और ये के जो है और जब भी किसी फरिश्तों की जमात के पास से गुजरता है तो सुबह अल्लाह वो फरिश्ते जो हैं उस कलीमत के कहने वाले के लिए इस्तार करते हैं यहाँ तक कि वो कलीमत को लेकर अल्लाह ताला के पास पहुँच जाता है लेकिन वही बात है कि ये कलीमात ऊपर कैसे पहुँचेंगे उसकी यानी हमें क्या पता चल रहा है इस से ईसाइस वाऊ कि नेक अमल है जो कि आपके इन पाकिज़ा कलीमत को वो आसमान की बुलंदियों तक लेकर ले जाते हैं मीन्स के उनको मकबूलियत का दर्जा जो है वो मिल जाता है यानी अगर इंसान का जो अमल है वो उसके कॉल के मुताबिक बन जाता है तो ये क्या है मकबूलियत की निशानी है और इसी तरह एक और हदीस में भी आता है कि रसुल्ला वसलम ने फरमाया कि जो लोग अल्लाह की अल्लाह तला की अजमत और जलाल की वजह से उसका जिक्र करते हैं उसका जिक्र करते हुए तस्बी करते हैं तस्बी मीन सुबह अल्लाह तकबीर यानी अल्लाह अकबर और तहमीद अल्हम्दुलिल्लाह और तहलील ला इलाहा इल्लल्लाह ये पढ़ते हैं तो ये कलिमात अरश इलाही का तवाफ़ करना शुरू कर देते हैं अल्लाह यानी ये सारी चीज़ें क्या हैं अरश का तवाफ करना शुरू कर देती हैं और इनकी आवाज़ शहद की मक्खियों की आवाज़ जैसी होती है और वो इन कलिमात के कहने वाले को भी याद करते हैं तो फिर आपने फरमाया तो क्या तुम में से कोई इस बात को पसंद नहीं करता कि अल्लाह ताला के यहाँ कोई चीज उसकी याद दिलाती रहे अल्लाह कितनी प्यारी बात है कि इंसान जब अल्लाह सुबहाना तला का जिक्र करता है तो ये जिक्र जो है ऊपर की तरफ उठता है और इसको ऊपर क्या चीजें उठाती हैं इंसान का अमले सौले उठाता है अमले सौले जो है यानी इन क़लिमात को ऊपर की तरफ उठाता है और जब ये ऊपर जाते जाते अर्शी का के पास पहुंचती हैं तो उसका तवाफ करना शुरू कर देती है। ये हैं ये क़लिमात जो है अर्शी का तवाफ करना शुरू कर देते हैं और सुबहान अल्लाह फिर उस शख्स को भी याद करते हैं जिसने ये क़लिमात कहे थे और ये कितनी प्यारी बात है कि अल्लाह के हाँ यानी हमारी जो हमें हमारा कोई जिक्र कर रहा है हम हमें याद किया जा रहा है और ये कौन सी चीजें हमारे कलिमात हैं है, सुभान अल्लाह अकबर है सुबह अल्लाह और अलहमदुल्ल ला इलाहा इल्लल्लाह तो ये सारे कलिमात क्या हैं ऊपर की तरफ जाते हैं और सुभान अल्लाह वहां जाकर अर्श इलाही का तवाफ करते हैं और कहने वाले को भी याद करते हैं और आखिर में जो बात की कि क्या तुम में से कोई इस बात को पसंद नहीं करता यानी सुभान अल्लाह कौन है जो इस चीज को पसंद ना करे जो इस चीज को चाहे ना अपने लिए कि अल्लाह ताला के हाँ उसका जिक्र हो अल्लाह ताला के हाँ उसका कोई नाम ले कोई उसकी बात करे और वो भी अच्छे उसमें और फिर क्या है अब यहाँ से जो चीज़ पता चल रही है वो क्या है कि इंसान का जो अमल है वो उसके कॉल के मुताबिक होना चाहिए ये नहीं कि अच्छा जुबान से तो वो कुछ कहे और अमल उसका टोटली अपोज़िट हो ये चीज़ उसको फ़ायदा नहीं देगी फायदा कब होगा उसके कॉल को अमल के साथ होगा उसके कॉल को अरूज कब मिलेगा जब उसका अमल भी अपने कहे के मुताबिक होगा और फिर क्या है कि जो लोग बुरे बुरे मकर करते हैं उनके लिए सख्त तजाब है और उनका मकर उनकी चालें क्या है ये सब की सब जो है वो बेकार जाएंगी यानी तबाह हो जाएंगी अब यहाँ पर देखें कि जैसे कि मुशिकीन मक्का थे बहुत चालें चल रहे थे और आ, जो है आ, यानी कोशिश कर रहे थे आ, को नीचा करने की इस्लाम को खत्म करने की तो है क्या कहा क्या चाह रहा है कि इनकी जो भी चा, चालें हैं वो सारी की सारी चालें इन्हीं पर उल्टी पड़ जाएंगी और किसी का यानी कुछ नहीं बिगाड़ेंगे सारे का सारा बिगाड़ और तबाही जो है इन्हीं के हिस्से में आएगी यानी जो भी लोग बुरी बुरी चालें चल रहे हैं तो क्या है कि उसका वबाल जो है वो खुद ही उठाने वाले हैं और ये देखते हैं के जो कुफार मक्का थे सारी ज़िंदगी उन्होंने हमेशा साजिशें और चालें चलने में गुजार दी चालें क्या थी बुरी चालें थी इस्लाम के अगेंस्ट थीं और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अगेंस्ट थी मुसलमानों के अगेंस्ट थी तो देखते हैं हम क्या है कि सारी की सारी चालें जो है ना उन्हीं पर आ पड़ी यानी हर चाल उनकी नाकाम अल्लाह तला ने कर दी और फाइनली क्या था के मक्का जो है फतेह हो गया और इस्लाम का बोलबाला हो गया और फिर क्या है वल्लाहु और हो और पैदा किया तुमको मिन तुराबिन मट्टी से यानी अल्लाह ताला की ज़ात है कि जिसने इंसान को किस चीज से पैदा किया मट्टी से पैदा किया तुम फिर मिन नुतफिन नुतफा से तुम फिर जा अला अजवा जा फिर बनाया तुमको जोड़ा जोड़ा अब यहाँ पर भी इंसान की जो पैदाइश है कि कैसे इंसान पैदा हुआ और किस तरह से उसकी तखलीक की गई उस चीज़ को बताया जा रहा है और ये चीज़ भी रियलाइज करवाई जा रही है कि जैसे पीछे जो है वो इज्जत की बात हुई तो इंसान अपनी तख्लीक को अपने औरिजिन को याद रखे क्योंकि इंसान जब भूल जाता है ना कि हकीकत में वो कहाँ से बना किस तरह से बना और ओरिजिन उसका क्या है लेकिन दुनिया में आता है जैसे ही अल्लाह ताला उसको कुछ ताकत और शूर देते हैं तो साथ ही वो अपने आप को बहुत बड़ी चीज समझना शुरू कर देते हैं साथ ही जो है वो अल्लाह तला के साथ वो मुकाबलेबाजी पे आ जाता है और अपने आप को बड़ा इज्जतदार समझना शुरू कर देता है और इसी उसमें जो है वो अपने रब की नाफरमानी भी करता है तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि अल्लाह तला का एहसान है कि उसने तुम्हें पैदा किया और मट्टी से पैदा किया फिर नुफ़ा से और फिर तुम्हारे यानी जोड़े जोड़े बना दिए यानी इंसान बेसिकली जिस चीज़ से पैदा होता है एज़ कंपेयर टू जब इंसान यानी बच्चे की सूरत में होता है उन दोनों में बड़ा फ़र्क है सुबह अल्लाह एक वो चीज़ है यानी नुतफ़ा वो चीज़ है जिसको कोई देखना पसंद ना करे जिसको कोई टच करना पसंद ना करे जिसकी कोई बात करना पसंद ना करे लेकिन सुबहान अल्लाह अल्लाह तला की जात है कितना एहसान है कि जब बच्चे की सूरत में इंसान आता है इस दुनिया में तो हर कोई उसको देखने के लिए बेताब होता है हर कोई बेचैन होता है और कितने शौक से उस बच्चे को सब देख रहे होते हैं कितना प्यार कर रहे होते हैं ये न्यू बॉर्न बेबी जो है सभी को उस पर प्यार आ रहा होता है सभी को जो बच्चा जो है कितना प्यारा लग रहा होता है और फिर क्या है कि सुम्म कि अलकुम तुम्हारे जोड़े जोड़े बना दिए ये भी अल्लाह की मेहरबानी है कहाँ से उठाया कितना खूबसूरत कर दिया और फिर उसके बाद अकेला नहीं रहने दिया जोड़े जोड़े बना दिया क्योंकि अकेले भी जो है ना बहुत ही बोरियत होती है अकेलापन जो है ना किसी को भी अच्छा नहीं लगता सुबह अल्लाह जोड़ों में अल्लाह तला ने इंसानों को बना दिया और फिर क्या है वमा तहमिलू नहीं हामिला होती मिन उन कोई औरत वाला और ना, ना ही जनती है इल्ला मगर भी ही उसके इल्म के साथ व माँ और नहीं अच्छा पहले इसी चीज को देख लेते हैं कि कोई औरत जो है हामिला नहीं होती और ना ही बच्चे को यानी जन्म देती है मगर उसके इल्म के साथ मीन्स के प्रेगनेंसी और डिलीवरी दोनों चीजें जो है ये अल्लाह ही के इल्म पर मबनी होती हैं कि कब कोई यानी इमेजिन के आ, और ये सिर्फ जो है मीन सिर्फ औरत नहीं है बल्कि जितनी भी मखलूक में से फीमेल हैं उनकी बात हो रही है कि उसकी हर मखलूक में से जब भी कोई प्रेग्नेंट होती है या बच्चे को बच्चे की बच्चे की बच्चे को डिलीवर करती है तो क्या है ये सब कुछ उसके इलम में इमेजिन के कितनी मखलूक हैं और कितने यानी लोग जो है प्रेग्नेंट हो रहे होते हैं और कितनी डिलीवरीज हो रही होती हैं ये सारा कुछ क्या है अल्लाह के के इल्म के साथ है उसे मालूम है कि कौन इस वक्त प्रेग्नेंट है और जो है यानी किसके यहाँ क्या हो रहा है और फिर क्या है व और नहीं योमरू ज्यादा उम्र दी जाती ममरिन किसी बड़ी उम्र वाले को वला युम कसु और ना कम की जाती है मिन उम्र ही उसकी उम्र से इल्ला फी किताबिन मगर ये के किताब में ऑलरेडी लिखा हुआ है इन्ना बेशक जालिका ये अल्लाह ही अल्लाह पर यसीर आसान है ये बात अल्लाह ताला के लिए बहुत आसान है क्या बात बहुत आसान है यानी बेसिकली अल्लाह सुबहान तला की ताकत कुव्वत और उसके इल्म की यहाँ पर बातें की जा रही है कि अल्लाह सुबहान तला की कुदरत और ताकत का अंदाजा लगाओ के किस तरह से मट्टी से फिर नुतफे से इंसान को पैदा किया जोड़ा जोड़ा बना दिया और फिर उसका इल्म किस तरह से है कि हर यानी प्रेग्नेंट जो भी आ, उनसा है उसके बारे में उसको इल्म है और जब वो आ, बच्चे को जन्म देती है उसका भी उसको इल्म है और फिर इसके अलावा क्या है कि ना ही किसी बड़ी उम्र वाले को उम्र ज्यादा दी जाती है ना उसकी उम्र कम की जाती है मगर सब कुछ किताब में लिखा है बेशक ये चीज़ अल्लाह के लिए बहुत आसान है इन तमाम बातों का इल्म, बिफोर इसके के ये चीजें हैपन हो इनसे पहले ही अल्लाह ये सारी चीजें मालूम है इन तमाम बातों का इल्म क्या है अल्लाह तला के पास है प्री रिकॉर्डेड है कहाँ पर लाहौल महफूज में लाहौल महफूज में ये सारा का सारा रिकॉर्ड जो है वो मौजूद है ऑलरेडी रिटर्न है सब इल्म जो, और ये सब रिटन क्या है बेस्ड ऑन अल्लाह के के नॉलेज अल्लाह इल्म पर बेस जो है ये सारी बातें लिखी हुई हैं अल्लाह ताला को पहले ही से मालूम है उनके यानी वाकया होने से पहले ही ये सब इल्म है जो कि अल्लाह तला को मालूम है और अब इसमें जो है ना जैसे ये जो आयत है इसको हम दो तरह से समझ सकते हैं कि किसी और ना किसी बड़ी उम्र वाले को उम्र ज़्यादा दी जाती है ना उसकी उम्र कम की जाती है मगर सब कुछ किताब में लिखा है इसका एक मतलब तो ये है कि चाहे किसी की उम्र ज़्यादा है लंबी उम्र है या किसी की उम्र कम है यानी जितनी भी है कम है ज़्यादा है ये पहले से मुकर शुदा है ये ऑलरेडी यानी लिखी जा चुकी है फिक्स्ड है और अल्लाह तला के हाँ ये बात क्या है महफूज है कि किसकी उम्र जो है वो लंबी है और किसकी उम्र जो है वो छोटी है यानी ये सब कुछ जो है अल्लाह तला के यहाँ मौजूद है ऑलरेडी रिटर्न है और हर चीज जो है अपने लिखे वक्त ही पर होती है यानी जिसकी मौत का वक्त अगर बाद में लिखा है उसकी उम्र लंबी है तो उसको आगे पीछे नहीं किया जा सकता अगर उसकी उम्र लंबी है तो अपनी वो अपनी लंबी उम्र ही को पहुंचेगा जब उसकी मौत का वक्त होगा तभी मौत आएगी और अगर किसी की जिंदगी कम है तो उसको भी आगे नहीं बढ़ाया जा सकता बल्कि क्या है कि यानी जब उसकी मौत का वक्त आ जाएगा तो आ जाएगा यानी जिस चीज का वक्त जो अल्लाह तला ने मुकर कर दिया है वो चीज़ उसी वक्त पर रोनमा होगी उसे आगे पीछे नहीं किया जा सकता और ये चीज किस चीज को शो करती है अल्लाह सुबहाना तला की जिसे कह लें कि जो आ, इरादे की यानी परफेक्शन है उसको शो करती है इरादे की परफेक्शन मींस कि अल्लाह ताला ने जिस तरह से जिस चीज को लिख दिया कर दिया मुकद्दर इंसानों के वो वैसे ही उसी वक्त पर हो जाती है आगे पीछे नहीं होती और इसमें परफेक्शन कैसे है कि अगर हम देखें कि हमने बहुत सारी चीजों का हम इरादे करते हैं बहुत सारी प्लानिंग होती है बहुत सारी चीजों को हम कहते हैं कि अच्छा ये चीज ये इतने वक्त पर हम करेंगे ये इस टाइम पे करेंगे इस टाइम पे करेंगे इसके लिए हम यानी ये इतना वक्त है इतने वक्त के बीच बीच में ये चीज हो जाए ऑलवेज क्या होता है उसमें कमी ज्यादती होती रहती है कभी हम आगे बढ़ जाते हैं कभी हम पीछे हो जाते हैं बिहाइंड हो जाते हैं अपने टाइम से अपने स्केड्यूल से यानी चीजें हम जिस तरह से चाह रहे होते हैं एग्जैक्टली exactly वो नहीं हो पाती ऑलवेज वैसी नहीं होती लेकिन अल्लाह ताला के यहाँ क्या है जो जिस तरह से अल्लाह ताला ने जिसके नसीब में जिस तरह से जो बात लिख दी वो वही अपने वक्त ही पर होती है और इसको करने पर कुदरत कौन रखता है अल्लाह ताला की जात है तो ये शो क्या करता है अल्लाह सुबह इरादे की कि वो अपनी विल को जब एग्जीक्यूट करता है उसको नाफिज करता है तो इस मामले में वो परफेक्ट है हर चीज तभी वाक्य होती है जब उसका वक्त मुकर होता है ना आगे होती है ना पीछे होती है और फिर क्या है कि एक और तरह से भी हम इस आयत को समझ सकते हैं कि आयत क्या है कि ना किसी बड़ी उम्र वाले को उम्र ज्यादा दी जाती है और ना ही उसकी उम्र में कोई कमी की जाती है मगर सब कुछ किताब में लिखा है Uh, क्या है कि uh, दूसरी तरह से क्या है कि एज जो है उम्र जो है ऑलरेडी रिटर्न है लेकिन उसमें कमी और ज्यादती हो जाती है यानी उम्र जो है उसको बढ़ा भी दिया जाता है और उम्र जो है उसको कम भी कर दिया जाता है लेकिन ये कब होता है ये बेसिकली डिपेंड करता है इंसान के अमल पर यानी इंसान का अमल जो है उसकी उम्र में इजाफे या कमी का बायस बन सकता है जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम इसको जैसे हदीस में भी हमें पता चलता है ना कि हदीस में क्या आता है कि um, जो है जी हदीस में जैसे क्या आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि जिस शख्स को ये बात पसंद हो कि उसके रिस्क को कुशादा कर दिया जाए और उसकी उम्र को दराज कर दिया जाए तो वो सिला रहमी करें अपने रिश्तेदारों से अच्छा सलूक करें तो यहाँ से ये बात पता चल रही है कि जिस शख्स को ये बात पसंद हो को कुशादा कर दिया जाए। रिस्क भी हम क्या कहते हैं कि ऑलरेडी रिटर्न है और उम्र भी क्या है ऑलरेडी रिटर्न है लेकिन आप फरमा रहे हैं कि जिसको ये बात पसंद हो कि उसके रिस्क को कुछ कर दिया जाए उसकी उम्र को दराज कर दिया जाए तो वो सिला रहमी करे मीनस कि अपने रिश्तेदारों से जो रहम के रिश्ते हैं जो खून के रिश्ते हैं उनके साथ अच्छा सलूक करें उनके हक अदा करें उनके साथ कतः ताल्लुकी ना करें उनके साथ ज्यादती ना करें उनकी हक तलफी ना करें बल्कि उनके हकूक अदा करें और उनका बहुत बहुत ख्याल रखें। यानी जैसे भी जिस तरीके से भी इंसान अपने रिश्तेदारों का ख्याल रख सकता है उनके काम आ सकता है उनकी मदद कर सकता है तो हर सूरत करनी चाहिए और ये चीज क्या है कि इंसान के रिस्क को भी कुछ करती है और उसकी उम्र को भी त्रास करती है अब इस चीज को भी हम यानी थोड़ा सा और समझेंगे कि एक तरफ तो हम कह रहे हैं कि उम्रें जो है इंसान की वो फिक्स्ड होती हैं जिसका जो वक्त है वो फिक्स्ड है जिसकी जो उम्र है जो एज है वो फिक्स्ड है उसमें जरा सी भी एक लम्हे की ना ज्यादाती होती है ना कमी होती है लेकिन दूसरी तरफ हमें हदीस से क्या बात पता चल रही है कि इंसान का अमल जो है उसकी उम्र में इजाफे का बायस बन जाता है तो बेसिकली ये जो इजाफा उसके अमल की वजह से उसकी जिंदगी में होने वाला है तो ये जो चेंज है कि उसकी उम्र को बढ़ा दिया जाएगा क्यों क्योंकि उसके अमल अच्छे थे उसके अमल की वजह से यानी खास अमल की वजह से उसकी उम्र जो है उसको बढ़ा दिया जाएगा तो ये जो उम्र में चेंज आई है ये चेंज भी एक्चुअली ऑलरेडी रिटर्न है जैसे हम दुआ से कहते हैं ना कि दुआ से मुकद्दर बदल जाता है दुआ से तकदीर बदल जाती है जबकि दूसरी तरफ हम कहते हैं मुकद्दर और तकदीर तो ऑलरेडी रिटर्न है उसमें तो कोई चेंज नहीं है वो तो वैसे ही रहेगा तो बेसिकली जो दुआ के जरिए से भी इंसान का मुकद्दर बदलता है वो क्या है कि वो चीज़ भी ऑलरेडी लिखी हुई है अल्लाह के पास कि ये शख्स शख्स इस के मुकद्दर में ये था लेकिन वो शख्स इस कदर यानी दुआ मांगेगा इस कदर तड़प कर दुआ मांगेगा कि अल्लाह ताला उसकी दुआ को कबूल करते हुए उसके मुकदर में ऐसे लिख देंगे उसको यानी वो चीज मिल जाएगी तो बेसिकली वो ऑलरेडी वो चीज लिखी होती है लेकिन वो उसको मिलनी कैसे होती है उस दुआ से गुजर कर उस दुआ में से गुजर कर वो चेंज कहां से आ रही है दुआ में से वो गुजर कर उसको वो चेंज जो है वो मिलेगी तो इसी तरह यानी क्या है कि इंसान की जिंदगी जो है उसमें ये जो इजाफा है उसके अमल की वजह से ये भी ऑलरेडी लोखल महफूज में लिखा हुआ है कि उसके अच्छे अमल की वजह से उसकी जिंदगी जो है उसको बढ़ा दिया जाएगा और एक और चीज भी हमें पता चलती है कि ये जो जिंदगी में इजाफा है इसको इस तरह से भी लिया जाता है कि अल्लाह ताला इंसान की यानी जो जिंदगी जो है सो है उसी जिंदगी में बहुत बरकत बर, बर डाल देते हैं यानी उसके कामों में बहुत बरकत हो जाती है कामों से मुराद ये कि वो कम वक्त में बहुत ढेर सारी नेकियां कमा जाता है उसके वक्त में अल्लाह ता, सुबहान तला क्या करते हैं बरकर डाल देते हैं उसके यानी आ, उसको बहुत सारी नेकियों नेकियां करने की जो है वो उसको थोड़े वक्त में तोफीक मिल जाती है और फिर क्या है कि इन यसीर के बेशक ये बात तो अल्लाह तला के लिए बहुत ही आसान है ये कुछ भी मुश्किल नहीं है यानी मुश्किल क्या चीज़ नहीं है कि इस तरह से ऑलरेडी लोगों की उम्रों को फिक्स करना और किसी को ज्यादा उम्र है किसी की कम उम्र है और फिर उसको उतनी ही उम्र देना जो कि ऑलरेडी उसकी लिखी है और फिर उसके अलावा ये जो चेंज है यानी किसी की उम्र में इजाफा या कमी करना ये चेंज ये सब ऑलरेडी रिटर्न है ये सब कुछ करना इन सब चीजों को पहले से इनका इल्म होना और इनको लिख लेना ये क्या है अल्लाह ताला के लिए बहुत ही आसान है ये कुछ भी मुश्किल नहीं है फिर अल्लाह क्या फरमाते हैं वामा और नहीं बहरानी अच्छा इसमें जो है ना बहुत ही जबरदस्त लेसन है हमारे लिए खास तौर पे ये जो हदीस से हमें मिला है कि रिश्तों का ख्याल रखना क्योंकि है क्या कि जो चीज यानी आम मुशाह में आती है वो यही है कि हम अपने दोस्तों के साथ और दूसरे जानने वालों के साथ यूजुअली बहुत अच्छे होते हैं जिनके साथ जितना करीब का रिश्ता होता है उनके साथ हमारी उतनी ही जैसे कह लें कि डीलिंग्स अच्छी नहीं होती जितना करीब का रिश्ता होता है उतने ही हम जो है ना यानी अपने ही बहन भाई होते हैं जिनके साथ हमारे तालुक अच्छे नहीं होते और उनके मुकाबले में हम हमारे दोस्त जो है ना वो तरजीहत पर होते हैं डज मीन के दोस्तों को अच्छा ना समझे जब आए यानी प्रायोरिटी है ना कि कुछ चीजें तरजीहत पर होती हैं कुछ चीजें एक दूसरे से बढ़कर होती हैं फर्क होता है उनमें तो जिसका जो दर्जा है उसको मेंटेन रखना चाहिए रिश्तेदारों का जो दर्जा है उनको उसी के मुताबिक रखना चाहिए और जो फ्रेंड्स का जो दर्जा है उनको उसके मुताबिक रखना चाहिए ये नहीं कि आप जो है यानी रिश्तेदार रिश्तों को तो नीचा कर दें और दूसरी चीज को जो है ऊपर कर दें तो क्या है कि यानी उनका उनकी खैर खैरियत दरियाफ्त करना उनसे रबते में रहना उनके साथ ताल्लुक को कायम रखना यूजुअली क्या होता है कि हम जो है यानी जब पेरेंट्स होते हैं तो तो फिर भी जो है यानी जो आ, उनके उनके जरिए से जो हमारे रिश्ते बने हुए होते हैं उनको हम फिर भी कभी ना कभी यानी उनसे बात बात हो जाती है या उनका ख्याल रख लेते हैं लेकिन जब पेरेंट्स ना रहे तो हम जो है उन रिश्तों को भी बिल्कुल फिर इग्नोर कर देते हैं तो यानी है क्या कि ये जो रहम के रिश्ते हैं ये जो खून के रिश्ते हैं इन तमाम का जो है ना बहुत ख्याल रखना चाहिए और हर तरह का ही होना चाहिए यानी जिस लिहाज से भी आप आ, उनको फायदा दे सकते हैं तो जरूर देना चाहिए और क्योंकि देखें कितनी बड़ी बात है किस तरह करने से जो है रिस्क में कुशादगी होगी और उम्र में इजाफा होगा और फिर क्या है वमा यस्तवी और नहीं बराबर होते अल बहरानी दो दरिया हादा ये आजबुल मीठा फुरातन प्यास बुझाने वाला खुशगवार शराब उसका पीना <coughs> अब अल्लाह साल क्या फरमा रहे हैं कि ये दोनों दरिया जो हैं वो यकसा नहीं हो सकते बराबर नहीं हो सकते क्योंकि एक तो क्या है मीठा है प्यास बुझाने वाला है और इसका पानी पीने में बहुत ही खुशगवार है वहादा और ये यानी दूसरा जो है मिल खारी है उजाजुन कड़वा है दूसरा क्या है खारी और कड़वा है वह मिन कुल्ली लेकिन हर एक में से क्या है तुम खाते हो लहमन गोश्त यानी जो आ, सी होता है तरीन ताजा व तस्तख और तुम निकालते हो हिलयन जेवर तल बसू नहा और तुम पहनते हो उसको यानी समंदरों में से इंसान जो है आ, सी फूड भी हासिल करता है और इसके अलावा डिफरेंट जो है वो मोती होते हैं डिफरेंट स्टोन्स होते हैं जिनको के वहां से लिया जाता है पर्ल्स होते हैं उनको बतौर जेवर जो है वो इस्तेमाल किया जाता है और तुम देखते हो अलफुल का कश्तियाँ फी ही उसमें यानी समंदरों में मवाखिरा फाड़ती हुई चलती हैं लिता बताओ ताकि तुम तलाश करो मिनफद ली ही उसका फजल वलाअल्लकुम और ताकि तुम तशकुरून तुम शुक्र अदा करो अब यहाँ अल्लाह सुभान व तआला क्या फरमाते हैं कि एक दरिया है जो कि मीठा है उसका पानी और बहुत ही यानी प्यास बुझाने वाला और बहुत ही खुशगवार है और दूसरा क्या है खारी और कड़वा है ये दोनों बराबर नहीं हो सकते दोनों में बहुत फर्क है लेकिन अब है क्या कि दोनों में फर्क बहुत है इमेजिन के एक तरफ जो सॉल्टी वाटर होता है यानी किसी काम का नहीं होता आप उसको जो है यानी पी नहीं सकते इवन के जो सॉल्टी वाटर होता है आप उससे कपड़े नहीं धो सकते आप उससे नहा नहीं सकते यानी किसी भी सूरत आपके वो काम नहीं आ रहा होता आपको लग रहा होता है कि ये बिल्कुल बेकार सी चीज़ है इसमें तो कोई फायदा नहीं है और दो अपोजिट चीजें बताई जा रही हैं कुछ यानी एक मीठा पानी है जो कि हमें नजर क्या आ रहा है कि बहुत ही फायदेमंद है पिया भी जा सकता है हर तरह से यानी उसको इस्तेमाल किया जा सकता है मवेशियों को पिलाया जा सकता है फसलों को भी दिया जा सकता है हर काम उस मीठे पानी से किया जा सकता है और दूसरी तरफ खारा और कड़वा पानी है जो कि किसी काम नहीं आ रहा ये यानी एक बज़ाहिर नजर है जाहिर नजर आता है कि ये ऐसा है फर्क तो है दोनों में वमा यस्तविल बहरान दोनों में डिफरेंस है एक एक मीठा है और एक खारी है लेकिन देखने में बज़ाहिर नजर आता है पेरेंटली कि सिर्फ एक ही चीज फायदा मंद है जबकि दूसरी बिल्कुल बेकार है इसका कुछ भी फायदा नहीं है नाकारा है इसको होना ही नहीं चाहिए था लेकिन अल्लाह तला क्या फरमा रहे व मिन कुल के हर एक में से तुम खाते हो यानी फायदा उठाते हो वहाँ से गोश्त हासिल करते हो और चाहे वो मीठे पानी का समंदर है चाहे वो खारे पानी का है तो ये जो जितने भी यानी समंदरों में अः होती है सी फूड होता है उन सब से इंसान जो है कितना फायदा उठाता है और भी जो भी चीज़ें वहां से मिलती हैं इंसान उनको लेता है और उनसे फायदा उठाता है यानी बेसिकली दोनों से इंसान क्या करता है फायदा उठाता है और फिर क्या है कश्ती है जो कि पानी को फाड़ती चली आती है और ये सब कुछ यानी कश्तियां चलती हैं समंदरों में और ये सब कुछ भी क्यों है ताकि तुम जो है वो अल्लाह का फजल यानी अपना रिस्क तलाश करो और शुक्र अदा करो अब यहाँ जो चीज बताई जा रही है अपोजिट बताया जा रहा है यानी जिस तरह से बेसिकली हम इसको आ, रिलेट भी कर सकते हैं किस तरह से कि जब चीजें हमें नजर आती हैं जैसे लोगों में भी हमें नजर आता है कि कुछ लोग बहुत अच्छे बहुत नाइस होते हैं बहुत ही स्वीट होते हैं और दूसरी तरफ वो खुरदरे से लोग भी होते हैं बहुत सख्त और कड़वे मिजाज के भी लोग होते हैं तो हमें क्या लगता है कि बस मीठे ही लोग होने चाहिए बस नाइस किस्म के लोग होने चाहिए और कोई जरा सा भी यानी हार्श रवैया रखता हो थोड़ा सा जरा अकड़ मिजाज का हो या खुरदरे मिजाज का हो तो हम उसको अपने इर्द गिर्द बर्दाश्त नहीं कर पाते हमें लगता है कि बस ये चीज तो यहाँ से चली जाए मैं इनके साथ नहीं रह सकता मैं इनको बर्दाश्त नहीं कर सकता ठीक है फर्क है लेकिन क्या है कि ये दोनों चीजें बराबर में चलती हैं ये दो डिफरेंट पानी है अपनी अपनी इनकी आइडेंटिटी है मुख्तलिफ है और साथ साथ चलते हैं एक दूसरे के अंदर मिक्स नहीं होते लेकिन क्या है कि उसमें भी फायदा है उसमें भी फायदा है और यानी ये चीज नहीं होनी चाहिए कि अच्छा ये शख्स जो है आ, ये इस तरह का है इसके मिजाज में सख्ती है मैं इसको बर्दाश्त नहीं कर सकती तो ये बस मेरी जिंदगी से निकल जाए नहीं यानी दोनों दोनों पानी बराबर बराबर में चलते हैं दोनों एक दूसरे को कुछ नहीं कहते तो इसी तरह इंसानों में भी डिफरेंट डिफरेंट लोग हैं तो कुछ लोगों में बहुत अच्छाइयाँ होंगी कुछ की बहुत खसूसियात होंगी क्वालिटीज होंगी और दूसरों में कुछ कमियाँ होंगी तो अब बेशक किसी में अगर कोई कमी है इट डजेंट मीन कि उसमें कोई खैर है ही नहीं ये नहीं समझना चाहिए कि अच्छा ये शख्स अगर अच्छा नहीं है तो इसका मतलब है ये टोटल जो है ना बुरा इंसान है इसमें कोई खैर नहीं है ये चीज़ नहीं होनी चाहिए बल्कि है क्या कि कोई इंसान जैसा भी है लेकिन उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फायदा कुछ ना कुछ खैर जरूर छुपी हुई है अब है क्या कि ये हम पर है कि हम उसकी उस चीज के बावजूद उसकी सख्ती या उसके मिजाज के बावजूद सख्त मिजाज के बावजूद कैसे उसमें से खैर को तलाश करते हैं जैसे देखें कि अगर समंदर का पानी खारी और खारा है और कड़वा है इंसान ये सोच के कि ये नहीं नहीं ये नहीं ये पानी तो किसी काम का नहीं है इसमें मेरे लिए कुछ नहीं है तो वो उससे कोई फायदा ना उठा सकता वही पानी है जिसके अंदर वो डूबा और उसने देखा कि अच्छा इसमें तो मेरे लिए यानी रिस्क पड़ा है इसमें तो मेरे लिए अल्लाह ताला ने अपने फजल को छुपा रखा है अपने रिस्क को रखा है तो वहीं से वो सारा कुछ कहाँ से ढूंढ उसी खारे पानी में से वो अपने लिए कितनी खैर निकाल के लिए आता है तो बेसिकली अब ये हम पर है कि हम किस तरह से यानी दोनों चीजों में फायदा है और दोनों चीजों से फायदा उठाना चाहिए ये फायदा मिलेगा कैसे जब इंसान अपनी सोच को पॉजिटिव रखेगा अगर हम बहुत नेगेटिव रहेंगे ना और बस बज़ाहिर देखेंगे कि बस ये तो बुरा शख्स है, इसको तो निकल जाना चाहिए मेरी जिंदगी से ये है ही यहाँ पे क्यों? तो फिर क्या है कि हम उसके अंदर जो अल्लाह ताला ने हमारे लिए बेनिफिट रखा है हमारा फायदा जो उसके अंदर रखा हुआ है उससे हम खुद ही अपने आप को महरूम कर लेंगे तो यह हम पर है कि हम किस तरह से जैसे खारा और मीठा पानी बराबर में रहते हैं मिक्स नहीं होते मीठा पानी अपनी जो जो उसकी नोइत है उसको खराब नहीं होने देता लेकिन रहता साथ साथ ही है तो बेसिकली साथ रहकर इस तरह की चीज़ों से भी फायदा लेना क्या है ये अपनी सोच पर डिपेंड करता है कि हम किस तरह से जो है यानी उन्हीं चीजों को हम बेहतर उनका जो है वो टर्न आउट कर सकते हैं और इसी तरह यानी जैसे लोगों की बात है कि लोग भी डिफरेंट तरह के आ, मिलेंगे अब जैसे सॉल्टी वाटर है खारा पानी है अब अगर इंसान कहे कि अच्छा भाई क्यों देखने में तो ऐसे ही लगता है ना कि जो फ्रेश वाटर है जो आ, यानी दूसरा पानी है वो हमें कम मकदार में नजर आता है जबकि ये जो सॉल्टी वाटर है ये बहुत ज्यादा क्वांटिटी में मौजूद है और बज़ाहिर देखने में क्या लगता है कि भाई जो अच्छा काबिल इस्तेमाल पानी है उसको ज़्यादा होना चाहिए था और ये खारा पानी क्यों है इसकी जगह तो सारे का सारा मीठा पानी होता खारा पानी होता ही ना हालांकि हमें पता क्या चलता है कि ये जो सॉल्टी वाटर है ये भी क्या है बहुत ज़रूरी है हमारी ज़िंदगी के लिए यानी इसका भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल है आ, हमारी जिंदगी को इस यानी कायम रखने में और इस सिस्टम को कंटिन्यू रखने में सुबह अल्लाह यानी खारा पानी ना हो तो हमारी जिंदगी का निज़ाम जो है वो सही ना चल सके तो ये भी क्या है इम्पोर्टेंट है तो है क्या कि चीज़ें जो है अपोजिट होती हैं और अपोजिट से चीज़ों की पहचान होती है अगर एक ही चीज़ हो तो इंसान जो है ना यानी दिन जो है ना उसका कैसे पता चलता है रात से पहचाना जाता है यानी जब रात आती है तो पता चलता है कि अच्छा पहले तो दिन था कितनी रोशनी थी अगर रात ना आए तो रोशनी का एहसास ही इंसान के अंदर ना हो उससे इस नेमत का पता ही ना चले कि अच्छा ये रोशनी भी कितनी बड़ी नेमत थी जो कि रात के आने में पता चली कि अच्छा अब रोशनी चली गई और इसी तरह क्या है कि आ, लोगों की हमने मिसाल ले ली इसी तरह इंसान की जिंदगी में डिफरेंट सिचुएशंस होती हैं मुख्तलिफ हालात बनते रहते हैं और जो है उन हालात में यानी इंसान को ये नहीं होना चाहिए कि अच्छा बस अच्छा अच्छा ही सब कुछ रहे यानी जो बज़ाहिर अच्छा नजर आ रहा है बस इंसान कह कि ये अच्छी अच्छी चीज़ें मेरी जिंदगी में रूनुमा हो और जो चीज़ें उसे उसकी पसंद की नहीं है वो होनी नहीं चाहिए है क्या कि दोनों चीज़ों को एक्सेप्ट किया जाए दोनों चीज़ें ये साथ साथ चलती हैं कभी अच्छे हालात भी आते हैं कभी बुरे हालात भी हो जाते हैं कभी खुशियां भी होती हैं तो कभी गम भी होते हैं लेकिन बुरे हालात और गमों को बहुत यानी समझ के कि बस सब ये हो गया तो अब सब खत्म है नहीं उनमें भी आपके लिए कुछ ना कुछ बेहतरी कुछ ना कुछ अच्छाई कुछ ना कुछ खैर आपकी छुपी हुई है वो खैर कहाँ से पता चलेगी आपकी पॉजिटिव सोच जो है ना वो उसको ढूंढेगी अगर पॉजिटिव नहीं है नेगेटिव है गम है बस इसी चक्कर में क्यों आया ऐसे नहीं होना चाहिए था वैसे ही नहीं होना चाहिए था तो आप उस खैर से महरूम रह जाएंगे लेकिन अगर पॉजिटिव थिंकिंग है उसको कबूल करेंगे एक्सेप्ट करेंगे तो फिर क्या है कि उसमें से भी आप बहुत सारे अपने लिए फायदों को समेट लेंगे तो चीजें क्या है यानी मीठी भी होती हैं कड़वी भी होती हैं लेकिन दोनों चीजों में इंसान के फायदे छुपे हुए होते हैं और फिर क्या है कि बेसिकली ये अब हम पे डिपेंड करता है कि हम जो है दोनों तरह की चीजों से किस तरह अपने लिए फायदों को जो है वो एक्सट्रैक्ट करते हैं किस तरह से अपने चीज अपने लिए अपने फायदों को जो है वो वहां से निकालते हैं और फिर आगे कश्तियों की बात हुई कि कश्तियां जो है वो चलती हैं लिताबता ताकि तुम तलाश करो अब यहाँ पर कश्तियों के चलने के लिए मवाखिरा ये वर्ड यूज हो रहा है और इसका मतलब क्या है कि यानी फाड़ना किस तरह से यानी फाड़ती हुई जाती है यानी बेसिकली अगर देखा जाए कि कश्ती जो है उसकी किस तरह से यानी शेप बनाई होती है कि आगे से वो आ उसको जो है चीरती हुई पानी को जो है वो चीरते हुए जा रही होती है पानी में से रास्ता बनाते हुए जारी होती है और बेसिकली उस चीज के लिए क्या है कि जैसे फोर्स चाहिए और जहां पर कुत लगानी लगे तो बेसिकली वो मुश्किल काम होता है डिफिकल्टी यानी उसको कह लें कि दूसरे मानों में वो डिफिकल्टी होती है अब कश्तियां चलती हैं यानी फाड़ती हुई और वो मुश्किल में से गुजरती हैं और खारे पानी में भी चलती हैं लीता बताऊ ताकि तुम तलाश करो मुनफत ली ही उसका फजल अब है क्या कि यानी बेसिकली अगर हम इसको अपनी जिंदगियों के साथ रिलेट करके देखें कि अल्लाह ताला हमें इससे क्या चीज़ समझाना चाह रहे हैं कि समटाइम्स क्या होता है कि जिंदगी में कुछ मुश्किल आती हैं जिंदगी में कुछ मुश्किल आती हैं लेकिन वो होती क्यों है वो बेसिकली आपको एक आपके जिंदगी के एक मुकाम से दूसरे मुकाम तक ले जाने के लिए आती हैं अगर वो ना आए तो आप पहले मुकाम ही पर बैठे रहेंगे आप कभी भी खुद से उस यानी उस मुश्किल को उस मुश्किल में से गुजरना नहीं चाहेंगे बल्कि पीछे ही अपने हाथ झाड़ देंगे कि नहीं मैं नहीं ये कर सकता आप पीछे ही रहेंगे और होगा क्या कि जब वो मुश्किल से आपको गुजारा जाएगा और अल्लाह ताला उस चीज को कर देते हैं तो वो क्यों होता है आपको आपकी जिंदगी के एक मुकाम से दूसरे मुकाम तक लेकर जाना और वहीं पर आपकी जो है कामयाबी छुपी हुई होती है जो कि मुश्किल के पीछे हिडन होती है उसके बिहाइंड होती है नजर नहीं आ रही होती और इंसान को क्या लगता है कि नहीं ये रास्ता तो बहुत मुश्किल है इसमें तो तकलीफें है, तकलीफें हैं ये मुश्किल है मैं नहीं इसको कर रहा और वो ऐसा करते हुए बेसिकली अपनी कामयाबी से अपनी मंजिल से दूर हो रहा होता है लेकिन दूसरी तरफ क्या है कि जब यानी अल्लाह ताला बेसिकली मुश्किल डाल देते हैं तो उस मुश्किल में से इंसान को गुजरना चाहिए उसमें हौसला होना चाहिए कि जो ज़िंदगी में डिफ़िकल्टी आ रही है मुश्किल आ रही है अब ये मेरे लिए चैलेंज है इस चैलेंज को मैंने कबूल करना है इस पे से मैंने अपने ये गिवअप नहीं करना अपनी हिम्मत नहीं हारनी बल्कि इस चैलेंज में से गुज़रना है इस डिफ़िकल्टी में से गुज़रना है और जो इंसान उस मुश्किल को कबूल कर लेता है मुश्किल को कबूल करता है वावेला नहीं मचाता और सबर के साथ इस्तकामत के साथ उस सफर को इख्तियार कर लेता है ये सफर है ना जो कश्ती करती है तो बेसिकली उस सफर को ले लेता है कि हाँ ये भी एक सफर है ये जर्नी है ये सफर है जो कि मैंने लेना है दो मुश्किल है लेकिन मुझे इसको करना है इसको मैंने कबूल करना है तो बेसिकली क्या होता है कि जब वो शुरू करता है इस सफर को मुश्किल में से तो गुजर रहा होता है लेकिन फाइनली वो कहाँ पर पहुंचता है जहां पर कि अल्लाह ताला उसको ले जाना चाह रहे होते हैं और वहीं उसकी कामयाबी और मंजिल होती है तो बेसिकली क्या है कि मुश्किल को देख कर यानी मीठे और नमकीन पानी की बात है ना कि जिंदगी में मुश्किल भी आती हैं अच्छा वक्त भी होता है तो जब मुश्किल हो तो उसको देखकर इंसान को घबराना नहीं चाहिए उसको जो है ले लेना चाहिए कबूल करना चाहिए और हौसले के साथ उसमें से गुजरना चाहिए और ऐसा अगर इंसान कर जाएगा तो फिर क्या है यानी ऐसे ही है ना कि अगर एक औरत है वो डर जाए कि अच्छा प्रेगनेंसी है इतनी मुश्किल हैं और फिर उसके बाद जो है उससे डिलीवरी के उसमें से पेन में से गुजरना पड़ेगा लेबर पेन में से जाना पड़ेगा ये सब कुछ तो बहुत मुश्किल है और बहुत तकलीफ दे अमल है मैं ये सब कुछ नहीं कर सकती तो वो खुद को उस खैर से उस नेमत से महरूम कर लेगी अब बेसिकली अब अगर अल्लाह ताला यानी उसके नसीब में इस चीज़ को लिख दें और प्रेग्नेंट हो जाए तो उस चीज़ को क्या है कि खुले दिल से कबूल यानी वो उस चीज में से गुजरेगी उस चीज़ को कबूल करेगी कि कोई बात नहीं डिफिकल्टी है इसमें से गुजरना है तो क्या है इसका आउटकम इसका रिजल्ट क्या है बहुत ही अच्छी सूरत में होने लगा है तो बेसिकली क्या है कि ये चीज़ बताई जा रही है कि अल्लाह ताला यानी क्या बात समझा रहे हैं कि दोनों चीजें हैं मीठा और नमकीन पानी भी है दोनों में अल्लाह ताला ने फायदे छुपा रखे हैं और अल्लाह ताला के फजल से कश्तियां चलती हैं समंदरों में और फाड़ती हुई चलती हैं और ये सब कुछ क्यों है ताकि तुम अल्लाह तला का फजल तलाश करो और ये सब कुछ एट द एंड इसका रिजल्ट क्या होना चाहिए ताकि तुम जो है शुक्रगुजार हो जाओ और फिर सब क्या फरमाते है जो कि रात को दिन में दाखिल करती है वह व यू नहारा फिल और दिन को रात में दाखिल करती है वह सखरा और उसी ने काम पर लगाया अशमसा सूरज को वलका मरा और चांद को कुल्लुन हर एक यजरी चलता है ली अज मुसम्मा एक मुकर वक्त के लिए जालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम ये है तुम्हारा रब अल्लाह लहुल मुल्कु उसी की हकूमत है वल्लज़ीना और जिन लोगों को तदऊना तुम पुकारते हो मिन दूनी उसके सिवा मा यमलिकूना नहीं वो मालिक मिन कितमीर खजूर की गुठली के छिलके के बराबर अब अल्लाह साली तो क्या फरमाते हैं कि अल्लाह ताली की जात है जो कि रात को दिन में दाखिल करता है दिन को रात में दाखिल करता है सूरज और चांद क्या है कि उसने उनको काम में लगा रखा है हर एक जो है अपनी मुकर मुद्दत तक के लिए चलता जा रहा है यानी अपने काम को करता जा रहा है और ये बहुत बड़ा सिस्टम है ये जो दिन और रात का आना सूरज और चांद ये सारे क्या है बड़ा ही ऑर्गनाइज वेल ऑर्गनाइज जो है ना सिस्टम है जो कि अल्लाह तला ने बना रखा है रब लाह मुल्क यानी बेसिकली ये वो चीज है जिसके जरिए से इंसान अपने रब को पहचानता है कि ये अल्लाह ताला की ज़ात है जो कि इन तमाम चीजों को जो कि हमारी नजर में क्या है बड़ी आसान सी है कुछ खास नहीं लग रहा अच्छा दिन आता है उसके बाद रात आ जाती है बड़ा नॉर्मल सा सब कुछ लग रहा होता है लेकिन ये क्या है सिस्टम है जो कि अल्लाह सुबहाना तला की कुदरत का बहुत बड़ा शाहकार हैब लाह मुल्क ये है तुम्हारा रब यानी अपने रब को पहचानो कि कितनी बड़ी कितनी अजमत वाली जात है और किस कदर कुत और ताकत वाली जात है लाह मुल्क उसी की हकूमत है यानी इन तमाम चीजों पर इंसान का जर्रा बराबर भी कोई इख्तियार नहीं है फिर भी इंसान क्या करता है कि वो लोग कि जिनको तुम अल्लाह को छोड़कर पुकारते हो वो तो खजूर की गुठली के छिलके के बराबर भी किसी चीज के मालिक नहीं है यानी सुबह अल्लाह इतनी बड़ी जात को छोड़कर लोग छोटी छोटी चीजों के पीछे पड़ जाते हैं छोटी छोटी मखलूक यानी हकीर सी चीजें होती हैं हकीर सी मखलूक होती है जिनको समझते हैं कि शायद इनके पास कुछ इख्तियार हैं उनको पुकारते हैं कि शायद ये हमें नफा दे सकेंगे शायद ये हमसे किसी नुकसान को टाल सकेंगे तो है क्या कि ये तो खजूर की गुठली के छिलके के बराबर भी इनके पास कोई कुत और ताकत नहीं है कि इंसानों को कोई नफा और नुकसान दे सके और फिर क्या है कि इन तद अगर तुम पुकारो उनको लाऊ ना वो सुनेंगे दुआ तुम्हारी पुकार को वलौ और अगर ना वो सुने ना कबूल करेंगे लकुम तुम्हारे लिए यानी तुम्हारी बात को ना वो सुन सकते हैं ना ही कबूल कर सकते हैं यानी बेसिकली क्या है कि अगर तुम जो है उनको पुकारते हो तो वो तुम्हारी पुकार को सुनते नहीं है ना सुन सकते हैं और अगर वो सुन भी लें तो वो तुम्हारी पुकार को कबूल नहीं कर सकते कबूल मीन के वो तुम्हें कोई भी नफा नहीं दे सकते ना ही तुम्हें किसी नुकसान से बचा सकते हैं व योमल क्या और क्यामत के रोज़ यक फुरूना वो इनकार कर देंगे बेशर की कुम तुम्हारे शिरक से यानी बेसिकली जिन हस्तियों को लोग अल्लाह तला का शरीक ठहरा कर जो है उनसे मांगते हैं और समझते हैं कि शायद ये हमें कोई नुकसान से बचा लेंगे हमें कोई फायदा दे देंगे तो ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते और इससे बढ़कर क्या है कि क्यामत के रोज वो इनके शिरक से इनकार कर देंगे यानी साफ इस चीज से इनकार कर देंगे कि ये लोग जो हैं हमें पुकारते थे और हमें यानी क्या है कि हमें जो है अल्लाह तला का शरीक ठहराते थे उनकी हर तरह की इबादत और उनका हर तरह के पुकारने का वो इनकार कर देंगे यानी बिल्कुल अपने आप को बरी विमा कर लेंगे कि हमें नहीं पता कि ये लोग हमें पुकारते थे और हमें ने, हमने कभी इनसे नहीं कहा था कि हमें पुकारो और फिर क्या है वाला उका। और नहीं कोई खबर देगा तुझे खबीर के यानी क्या है है कि तुम्हें जो अल्लाह तला के जैसी कोई खबर नहीं देगा यानी जिस तरह अल्लाह तला खबीर यहाँ पे क्या है यानी अल्लाह तला की जात है कि अल्लाह तला की जात जिस तरह से तुमको खबर दे रही है यानी ये जो रियालिटीज है ये जो हकीकतें हैं जो कि अल्लाह ताला बता रहे हैं ये जो खबरें हैं ये अल्लाह ताला के सिवा और कोई नहीं दे सकता यानी अल्लाह ताला की जात है, जो कि हकायक जो दुनिया के हैं इस जिंदगी के हैं वो बताने वाली जात है यानी है क्या कि इंसान जो है खुद से अपनी सोच से अपनी समझ से जिन चीजों को वो समझता है कि अच्छा बस यही ठीक है यही दुरुस्त है उसे वही हकीकत नजर आ रही होती है एक्चुअली वैसा नहीं है असल में उसे किस पे रिलाय करना चाहिए अल खबीर पे अल्लाह ताला की जात है जो कि सही हक जो है इंसानों को बताता है असल हकीकतों को बताता है और ये जो पर्दे के पीछे छुपी हुई चीजें हैं उनको बताने वाला है यानी जिंदगी की क्या हकीकत है इंसान को क्या लगता है जो कुछ वो देखता है उसे लगता है कि बस यही जिंदगी है यही दुनिया है लेकिन पर्दे के पीछे असल क्या है वो अल्लाह ताला की जात है जो कि बताने वाली बात बताता है वला वलाबीयू का मिफलू ख़बीर यानी अल्लाह ताला की तरह कोई ऐसी जात नहीं है जो कि तुम्हें खबर दे अल्लाह ताला जो कुछ भी बताएं जो भी यानी वही के जरिए जो भी खबर पहुंचाएं जो भी बताएं उस पर इंसान का काम क्या है कि उस पर ईमान लाए और उस पर भरोसा करें तो अल्हदुल्लासन हमारा जो है वो यहीं पर एंड हुआ अल्हदुल्ला इंशाल्लाह क्लास क्लास्ट है वो एंड करते हैं अल्लाह तला से दुआ है कि अल्लाह तला हमें जो है आ... इस किताब को बहुत अच्छे से समझने वाला और इस पर बेहतरीन तौर पर अमल करने वाला बना दे और अल्लाह ताला हमें इस चीज़ की तोफ़ीक दे कि हम अल्लाह ताला की तम बरदारी के जरिए से जो है इज्जत को तलाश करने वाले हों और असल जो पायदार इज़्ज़त है अल्लाह ताला हम सब को वह नसीब फरमाए आमीन मन्नाबल सुबह